खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। इससे मातृ मृत्यु दर यानी प्रसव के दौरान होने वाली मौतों में 10% तक की कमी आई है। बिहार में जच्चा बच्चा मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2010 से 2012 के दौरान बिहार में मातृ मृत्यु दर 219 प्रति हजार थी, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के जमीनी स्तर पर लागू होने से इसमें काफी सुधार हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सदर अस्पताल के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाए जाते हैं। शिविर में आई गर्भवती महिलाओं की सभी जांच महिला चिकित्सकों की टीम करती है। चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को जरूरी परामर्श दिया जाता है और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर प्रेरणा कहती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। कारगर तो पूरी तरह से है। महिला आशा कार्यकर्ता जो भी है सारा पेशेंट को लाती है, गांव देहात से सारा पेशेंट आती है, सबको सब सुविधा यहाँ पे मिलता है। डॉक्टर अर्चना ने इस अभियान के संबंध में बताया कि यहाँ आने पर महिलाओं की शुगर, HIV, हीमोग्लोबिन समेत अन्य सभी जांच होती हैं और उन्हें जरूरी टीके भी लगाए जाते हैं। सारी जांच की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। दवा 3 महीने तक उसको प्रॉपर 90 दिन का डोज दिया जाता है, जिस वजह से हर गरीब महिला को भी आयरन और कैल्शियम की वजह से वीकनेस नहीं होता है, खून की कमी नहीं होती है और जिससे उसको लाभ मिलता है। सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार शर्मा कहते हैं कि अकेले सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में माह की 9 तारीख को 250 से 300 के बीच गर्भवती महिलाएं जांच कराती हैं। उन्होंने कहा कि जब से ये अभियान शुरू हुआ है तब से सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर में लगभग 10% की कमी आई है। और तरह की उसका जो भी जाँच हो, खून की कमी के लिए आपका हीमोग्लोबिन, सिफिलिस, HIV, आपका यूरिन शुगर और प्रोटीन, ब्लड शुगर, ये सारे जांच उनका किया जाता है। बिहार अधिक आबादी, गरीबी, कुपोषण और असुरक्षित प्रसव जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है और इनमें से अनेक मामलों में प्रगति अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने कई मोर्चों पर प्रगति की है। सुरक्षित मातृत्व और संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में हुए सुधार को देखते हुए ये लगता है कि राज्य जल्दी ही सुरक्षित मातृत्व के राष्ट्रीय औसत को प्राप्त कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।